Good morning all. In the last lecture we have finished I think our floor system. Okay, we have taken the problems for the floor system for the one way as well as two way slab. Okay, according to you, you will design the floor system problem. Now today we will start the new topic. It is nothing but design of the trusses. ओके डिज़ाइन ऑफ द ट्रसेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक देख लेते हैं व्हाट आर द लोडिंग्स अप्लाइड ऑन द ट्रसेस व्हाट टाइप ऑफ द ट्रसेस आर देयर व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रसेस ये जानना भी बहुत ज़रूरी है सो लेट अस सी व्हाट डू मीन बाय द ट्रसेस ट्रस का अगर डेफिनेशन अगर तुम लोग प्रॉपरली बोल सकते हो तो इट इज़ नथिंग बट ए स्ट्रक्चर और ए फ्रेम स्ट्रक्चर विच हैज़ ए स्ट्रेट मेम्बर्स ओके आर अरेंज्ड एंड पिन कनेक्टेड एट देयर एंड्स ओके ये तुम लोगों का थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया इफ़ यू वांट यू कैन एक्सप्लेन द ट्रस्ट इन योर लैंग्वेज दैट द फ्रेम इन विच ऑल द मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू द एक्सियल फोर्सेस ओनली और द मेंबर्स और द ट्रस्ट इन विच ऑल द मेंबर्स कैरीज ओनली एक्सियल फोर्सेस इज नोन एज ए ट्रस्ट ये भी लिखा तो भी चलेगा डोंट वरी द लोड्स आर अप्लाइड एट द जॉइंट देखो मेन जो पॉइंट है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देर इज नो नीड टू इलेबरेट द टोटल कंसेप्ट ऑफ द ट्रसेस ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इट सो फर्स्ट वन इज दैट इज द लोड्स आर अप्लाइड एट द जॉइंट्स ऑफ द ट्रस ओके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू डिजाइन द ट्रस सो वी हैव टू कैलकुलेट द लोड्स सो द जो लोड्स रहेंगे आपने भी अभी तक देखा होगा कि जो लोड्स हम लोगों ने अप्लाई किए अभी तक वो जॉइंट्स पे ही अप्लाई किए हुए हैं So the loads are applied at the joints of the truss so that the members carries only axial loads. Okay, only axial loads होने वाला है इसका मतलब क्या हुआ That is the member will be subjected to compression, otherwise it will be subjected to the tension. So we have to design the truss member as a compression member or we can say tension member. So it is very easy to design it because we have already learned about the tension member and compression member. So if you are designing the member as a compression member, we just have to take the checks for the tension member or vice versa. Whatever the load जो तुम लोगों का extra रहेगा यानी कि tensile load अगर ज़्यादा है we will design for the tension and we will take checks for the compression. If the compression load is higher यानी compression capacity whatever external load जो आया हुआ है वो अगर ज़्यादा रहेगा then we will design that member for the compression जो steps तुम लोगों को पता है उससे ही design करेंगे and we will just take a check for the tension. टेंशन मेंबर के जो चेक्स है वो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे सो लेट अस द मेंबर्स कैरीज ए कंप्रेशन आर कॉल्ड एज ए स्ट्रट ओके स्ट्रट मतलब क्या है इट इज़ नथिंग बट कंप्रेशन मेंबर स्ट्रट क्यों बोला हुआ है इट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रस जो कंप्रेशन कैरी करता है अगर मैं फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करूँगा रिजिड जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर की बिल्डिंग की तो उसमें जो कंप्रेशन लोड कैरी करेगा उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं तो उसी तरह जब मैं ट्रस की बात करता हूँ तो ट्रस में जो कंप्रेशन मेंबर कंप्रेशन फोर्स कैरी करता है उसको हम लोग स्ट्रट बोलते हैं वेर एज दोज कैरिंग द टेंशन फोर्स जो कैरी करेगा उसको हम लोग टाइज बोलते हैं या फिर स्लिंग्स बोलते हैं सो वॉट एवर देर में भी चांसेस कि सिर्फ तुम लोगों को पूछा जाएगा कि लेट अस फाइंड आउट दी फोर्सेस इन दी स्ट्रट और वी कैन से टाइज और लेट अस डिज़ाइन ओनली दिस पार्ट तो इसलिए यू शुड नो दी कंसेप्ट प्रॉपरली वायवा में भी तुम लोगों को पूछा जा सकता है दीज आर दी सम सिंपल टाइप्स ऑफ दी और वी कैन से कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है ये तुम लोगों को सम टाइप्स ऑफ दी ट्रस दिए हुए दैट इज पिंग ट्रस फिंग ट्रस फैन ट्रस तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल गोइंग टू डिज़ाइन इट देर आर नंबर ऑफ ट्रसेज डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन ऑफ द ट्रस तो इसलिए यहाँ पे जो बेसिक है वही मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है अगर तुम लोग नेट पे सर्च करोगे तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द ट्रसेस बिकॉज जैसे जैसे मेंबर का यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से ट्रस का टाइप भी चेंज हो जाएगा सो इफ यू वॉन्ट डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रसेस यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल ऑल्सो सो लेट अस टेक द एलिमेंट्स ऑफ द रूफ ट्रस एज वी आर स्टडिंग द रूफ ट्रस तो रूफ ट्रस के लिए कौन कौन से मेन एलिमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सो लेट अस टेक दिस फर्स्टली ये जो तुम लोगों का अपर जो तुम लोगों का दिख रहा है ये ऊपर का जो लाइन है इसको हम लोग कॉमन राफ्टर बोलते हैं ऑन दैट कॉमन राफ्टर यहाँ पे तुम लोगों का जो एस्बेस्ट शीट्स रहेगा या फिर जी आई शीट रहेगा रूफ कवरिंग रहेगा ये इसके ऊपर लाई करता है ओके बिकॉज ये इसके ऊपर लाई करेगा देन दिस कॉमन राफ्टर इज कनेक्टेड और दे कैन ट्रांसफर द लोड टू द पर्लिंस देखो ये तुम लोगों को सी शेप के जो पैनल्स दिखाई दे रहे हैं ये सी शेप जो तुम लोगों को बीम्स दिखाई दे रहे हैं देखो हर एक जॉइंट के ऊपर दिखाई देगा बिकॉज वॉट एवर लोड जो कॉमन राफ्टर ले रहा है वो डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेट
ऑन दी जॉइंट करने के लिए यहाँ पे पर्लिन प्रोवाइड किया गया है। तो इसका सिर्फ सेक्शन दिख रहा है, मतलब ये तुम लोगों का डायरेक्टली थ्रू आउट दी ट्रस तुम लोगों का रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली पर्लिन। तो पर्लिन जो रहेगा उसके ऊपर टोटल लोड एज ए यूडीएल एक्ट करेगा, तो इट इज़ नॉट ए ट्रस मेंबर और एक्सियल मेंबर नहीं रहेगा ये इट इज़ ए फ्लेक्चर मेंबर। तो वॉट एवर फ्लेक्चर मेंबर का डिज़ाइन जो है अपने पास, वी कैन डू द डिज़ाइन ऑफ दिस पर्लिन बाय यूजिंग दी फ्लेक्चर मेंबर डिज़ाइन, और नॉर्मली इट इज़ लैटरली अनसपोर्टेड। हम लोगों ने अभी तक लैटरली सपोर्टेड बीम स्टडी किया हुआ है, बट इसके ऊपर ये लैटरली सपोर्टेड नहीं रहेगा, बिकॉज हर एक ये ट्रस के बाद दूसरा जो जॉइंट रहेगा सेकेंड ट्रस को रहेगा, तो इसलिए इट इज़ लैटरली अनसपोर्टेड। आफ्टर दैट ये पर्लिन जो रहेगा वो कनेक्टेड, यहाँ पे देखो जॉइंट्स के ऊपर ही कनेक्टेड रहेगा। इसके नीचे जो ये लाइन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर, दिस इज़ योर प्रिंसिपल राफ्टर, जो अपर कॉर्ड मेंबर तुम लोग बोल सकते हो ये टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर, जो मेन सबसे ऊपर रहेगा। आफ्टर दैट ये पीक जॉइंट, इसको हम लोग ये ऊपर रिज रहता है कवरिंग के ऊपर, सबसे अपर पॉइंट इसको हम लोग रिज बोलते हैं। मेन जो तुम लोग के एलिमेंट्स है वही मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। दिस इज सैक टाय जो बीच में प्रोवाइड किया रहेगा, नॉर्मली ये सिर्फ यहाँ पे जॉइंट रहता है, सो दैट यहाँ पे अगर स्पैन ज़्यादा रहेगा तो इट विल कैरी द लोड और इट विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन ओनली, तो इसलिए उसको टाई बोला हुआ है। इट इज़ सैक टाय, तो सैगिंग को ये अवॉइड करता है। नीचे का इट इज़ बॉटम कॉर्ड मेंबर, और इन बिटवीन यहाँ पे ये मेंबर्स रहेंगे, दे मे बी स्ट्रट और इट मे बी टाई। टोटल हाइट ऑफ द ट्रस जो रहता है उसको हम लोग राइज बोलते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी तुम लोगों ने आर्चेस में भी देखा होगा ये हाइट ऑफ द आर्च, इसको हम लोग राइज बोलते हैं, एंड टोटल विल बी द स्पैन, बिकॉज अगर राइज और स्पैन पता है तो हम लोगों को बाकी का भी चीज़ें यहाँ पे निकालना होगा। सो लेट अस नेक्स्ट, जो तुम लोगों को यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है, इट इज़ नथिंग बट पिच। पिच इज नथिंग बट रेशियो ऑफ द राइज टू द स्पैन। वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर पिच दिया रहेगा इफ़ यू आर गिवन ओनली स्पैन तो आपको राइज भी पता होना चाहिए, तो इसलिए ये पिच यहाँ पे डिफाइन किया गया। सो लेट अस टेक, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा 3D डायग्राम में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, आई हैव जस्ट टेकन वन इन ऑटोकैड फाइल, इसमें हम लोग अगर चेक करोगे तो देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक में दिखाया गया है, ये जो तुम लोगों के ट्रस है, देखो ट्रस जो रहता है वो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, तो वन स्पेशल डिस्टेंस यहाँ पे सम स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे ट्रस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दिस इज 2.5 मीटर फॉर द एग्जांपल, यहाँ पे ये ट्रस प्रोवाइड किया गया है हर एक स्पैन के ऊपर। तो देर आर नंबर ऑफ ट्रसेस डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग। ओके, ट्रसेस के ऊपर ये जो ब्लैक लाइन है इट इज़ नथिंग बट पर्लिन। तो जितने भी नंबर ऑफ ट्रसेस रहेंगे उसके ऊपर यहाँ पे पर्लिन्स रहेंगे उसके परपेंडिकुलर। वॉट एवर पर्लिन के ऊपर ये जो तुम लोगों को ये पैनल दिख रहा है, ये टोटल पैनल का लोड जो रहेगा वो पहले पर्लिन कैरी करेगा। वॉट एवर वो पैनल का लोड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी रूफ कवरिंग और वॉट एवर टाइप ऑफ द लोड जिसके ऊपर रहेगा उसके हिसाब से। ओके, दिस इज जस्ट तुम लोगों को व्यू डिफाइन करने के लिए कि जिसको तुम लोगों को पर्लिन और ये नंबर ऑफ ट्रस यहाँ से डिफाइन हो जाए। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट वन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोडिंग जो तुम लोगों का ट्रस कैरी करेगा। ओके, मेनली देर आर लोड कॉम्बिनेशन मैंने दिया नहीं है। फर्स्टली वी विल जस्ट लर्न, जब मैं लोड की बात करता हूँ तो फर्स्ट लोड इज नथिंग बट डेड लोड। ओके, इट मे बी कंसिडर्ड एज अ डेड लोड फॉर दी योर वेट ऑफ द कवरिंग। ऑब्वियसली कवरिंग जो रहेगा वो इट मे बी ए मैंगलोर टाइल्स, इट मे बी योर एस्बेस्टोस शीट्स, इट मे बी योर GI शीट, गैलोनाइज शीट। तो इसके हिसाब से अपने को वेट ऑफ द कवरिंग वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। देन वेट ऑफ द पर्लिन, ऑब्वियसली पर्लिन जो रहेगा इट मे बी ए सी सेक्शन और आई सेक्शन, तो उसके लिए भी उसका वेट जो रहेगा वो भी ट्रस ही कैरी करने वाला है, तो इसलिए उसका वेट भी हम लोग डेड लोड में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज सेल्फ वेट ऑफ द ट्रस एंड ब्रेसिंग। ओके, सेल्फ वेट ऑफ द ट्रस एंड ब्रेसिंग, इसके लिए हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं। ब्रेसिंग इज नथिंग बट अरेंजमेंट एट द कॉर्नर, जो वहाँ पे दिखाई नहीं दिया मैंने, यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट रहता है इसके लिए। ओके, फॉर सपोर्ट, तो उसको हम लोग ब्रेसिंग बोलते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे दिया नहीं है, तो लेट अस कंसिडर, वो हम लोग सेल्फ वेट के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और दिस इज डेड लोड, डेड लोड में हम लोग ये तीन लोड टोटल कंसिडर करने वाले हैं। देन लाई लोड, डिपेंडिंग ऑन दिस स्लोप वहाँ पे लाई लोड वैरी होगा, तो वो भी अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। देन विंड लोड, ऑब्वियसली ट्रसेस के लिए विंड लोड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो फ्लैट रूफ नहीं है, तो वॉट एवर विंड फ्लो होगा उसके हिसाब से वहाँ पे सक्शन या फिर तुम लोग बोल सकते हो वहाँ पे विंड का इंटेंसिटी इंक्रीज होगा डिपेंडिंग ऑन दी स्लोप।
सो लेट अस वन बाय वन हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डेड लोड, व्हाट इज लाई लोड एंड व्हाट इज विंड लोड. तो लेट अस यहाँ पे हम लोग, मैं डायरेक्टली स्टेप्स ही लिखा हुआ है कि डेड लोड का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं और व्हाट आर द वैल्यूज वी हैव टू एज्यूम अगर वो दिया नहीं है तुम लोगों को क्वेश्चन में. तो सो डेड लोड के लिए फर्स्ट हम लोग जो कवरिंग कंसिडर करेंगे, नॉर्मली तुम लोगों को GI शीट का ही प्रॉब्लम में आ जाता है कि GI शीट प्रोवाइडेड है. इफ़ इट इज़ नॉट गिवन देन वी कैन से इट इज़ 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस डेड लोड इंटेंसिटी वी कैन यूज द IS कोड, दैट इज IS 875 Part 1. वॉट एवर डेड लोड जो रहेगा उसके लिए तुम लोगों को IS कोड है, दैट इज 875 Part 1. इसमें सिर्फ तुम लोगों को ये सिर्फ GI शीट या फिर एस्बेस्टोस रूफिंग का ही नहीं दिया रहेगा, हर एक मटेरियल का डेड लोड यूनिट वेट या फिर वेट इंटेंसिटी ये सब तुम लोगों को IS 875 में मिलेगा. मेनली IS 875 इट इज़ फॉर दी लोडिंग कैलकुलेशन. देर आर डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट वन, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. तो पार्ट 1 जो रहेगा इट इज़ फॉर द डेड लोड, पार्ट 2 जो रहेगा इट इज़ फॉर द लाई लोड एंड पार्ट 3 फॉर द विंड लोड. तो इसलिए अगर IS 875 Part 1 अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे यू विल गेट दीज वैल्यूज. लेकिन देर इज़ नो नीड टू रेफर नाउ बिकॉज अपने को सिर्फ यहाँ पे GI शीट या फिर एस्बेस्टस शीट या फिर रूफिंग टाइल का ही देखना है. तो तीनों में से अगर कोई भी आया तो तुम लोग नॉर्मली 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज्यूम कर सकते हो. मैक्सिमम तुम लोगों का जो वैल्यू रहेगा वो हम लोग इतना एज्यूम कर सकते हैं. सो देर इज़ नो नीड टू रेफर इट फॉर दिस स्मॉल चेंजेस. लेकिन अगर आपको कुछ अदर डिज़ाइन रहेगा, डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग रहो, डिज़ाइन ऑफ द ट्रस्ट रहो, तो इसके लिए हम लोग पार्ट 1 ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर द डेड लोड कैलकुलेशन. सेकेंड वन दैट इज़ वेट ऑफ द पर्लिन. तो वेट ऑफ द पर्लिन अपने को दिया नहीं रहता है और एट द स्टार्ट ऑफ द योर प्रॉब्लम वी हैव नॉट डिज़ाइन योर वेट ऑफ द पर्लिन या फिर पर्लिन हम लोगों ने डिज़ाइन नहीं किया रहता है. सो फॉर दैट रीज़न वी विल जस्ट एज्यूम द वेट ऑफ द पर्लिन एज 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वॉट एवर जो यूनिट्स मैंने ट्रस्ट के लिए लिया हुआ है वो सब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया हुआ है एट द स्टार्ट फॉर द कैलकुलेशन. सो ये वैल्यू हम लोग पहले हम लोग एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ पर्लिन. नेक्स्ट जो लोड रहता है दैट इज थर्ड वन, दैट इज सेल्फ वेट ऑफ द ट्रस्ट. तो सेल्फ वेट ऑफ द ट्रस्ट इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है टोटल डिपेंडिंग ऑन द स्पैन. तो ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, दैट इज स्पैन इन द मीटर डिवाइडेड बाई 3 + 5 × 10. तो इसमें सेल्फ वेट ऑफ द ट्रस्ट में मैंने टोटल ये यहाँ पे ब्रेसिंग का भी इसमें ही कंसिडर हो जाएगा. इफ़ दे हैव प्रोवाइडेड सेपरेटली कि ब्रेसिंग का वेट इतना है तो हम लोग वो सेपरेटली कंसिडर कर लेंगे, बट नॉर्मली वो नहीं देते हैं. तो सेल्फ वेट ऑफ द ट्रस्ट में हम लोग ये टोटल यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे. जितना ये आएगा दैट विल बी टोटल योर सेल्फ वेट जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा. व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दी वैल्यूज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज वॉट एवर वैल्यू जो रहेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब टोटल पैनल के ऊपर कितना आ रहा है, जो रूफ कवरिंग का जो पैनल है उसके ऊपर हम लोग टोटल एरिया के हिसाब से निकाल रहे हैं. बाद में हम लोग इसको रिटर्न चेंज करेंगे, हाउ मच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस एरिया. तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल किलोन्यूटन में लोड आ जाएगा. बट अभी इसको मैं किलोन्यूटन में नहीं निकाल सकता बिकॉज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस लोड ऑन द जॉइंट्स ऑफ द ट्रस. वॉट एवर जो लोड आएगा वो टोटल जॉइंट्स के ऊपर चला जाएगा. तो इसलिए इसको मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखूंगा हर एक लोड. देखो यहाँ पे भी मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया हुआ है, रूफ कवरिंग भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया हुआ है. सो दिस इज योर टोटल डेड लोड. After that, for the lie load, we can refer the IS 875. If you want to refer, you can refer. You will get the values there also. IS 875 Part 2. ये total work करता है IS code for the lie load calculation. तो ये अभी तक update नहीं हुआ है IS 875 Part 2 also and Part 1 also. Because dead load और lie load के लिए यहाँ पर अभी तक updation provide नहीं किया गया है. तो वही तुम लोग ये रेफर कर सकते हो. सो नॉर्मली IS कोड में दिया हुआ है कि फॉर स्लोप लेस देन 10 डिग्री, किसका स्लोप, वॉट एवर जो तुम लोगों का स्लोप जो रहेगा ट्रस का, तो ये जो स्लोप है तुम लोगों का अगर ये 10 डिग्री से तुम लोगों का लेसर है तो वी विल सिंपली टेक दैट इज लाई लोड विल बी 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज़ कॉन्स्टेंट इफ इट इज़ लेस देन 10 डिग्री. बट अगर ये बढ़ता है, इट इज़ सिंपली प्रैक्टिकल, अगर ये तुम लोगों का स्लोप अगर बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ तो ऑब्वियसली लाई लोड मतलब क्या रहता है, लाई लोड इज़ नथिंग बट द लोड विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर दी आवर सेल्फ. अगर कोई आदमी यहाँ पे जाता है तो उसका भी हम लोग लोड लाइव यानी कि मूवेबल लोड यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं. यानी कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा तो लाई लोड यहाँ पे प्रोड्यूस करने की जो तुम लोगों की कैपेसिटी रहेगी वो ऑब्वियसली लेस रहेगी.
बिकॉज जैसे जैसे यहाँ पे ये स्लोप इंक्रीज होता जाएगा वहाँ पे लाइव लोड या फिर मूवेबल लोड एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू रिड्यूस करेंगे। तो वो रिडक्शन के लिए देखो यहाँ पे क्लॉज में दिया हुआ है आईएस कोड में, दैट इज इट विल बी इक्वल्स टू, अगर स्लोप 10 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो इट विल बी लेस 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेस करेंगे पर डिग्री के लिए, फॉर एवरी डिग्री इंक्रीज इन दिस स्लोप इन एक्सेस ऑफ 10 डिग्री। 10 डिग्री से ज़्यादा कितना भी एक्सेस रहेगा, यानी समझो 11 डिग्री हो गया तो 1 डिग्री ज़्यादा हो गया, तो ये 750 में से मैं क्या करूँगा यहाँ पे 20 माइनस करूँगा। सिमिलरली अगर 12 हो गया तो 2 यानी कि 2 इंटू 20 40 डिग्री 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये 750 से माइनस करूँगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, 750 तो रहेगा ही, माइनस थीटा माइनस 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये थीटा थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा, तो उतने डिग्री के लिए यहाँ पे हम लोग 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे माइनस करेंगे। और ये भी वैल्यू जो है तुम लोगों का मिनिमम 400 लेना है, तो यानी कि 750 से लेके 400 के बीच में यहाँ पे फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन अगर 400 से भी लेसर आ रहा है तो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज़ अवर लास्ट वैल्यू, दैट इज़ इट शुड नॉट बी लेस दैन 400। तो मिनिमम वैल्यू तुम लोगों को 400 लेना ही है, कितना भी स्लोप आए तो भी, नॉर्मली 10 डिग्री रहता है, लेकिन फिर भी याद रखना कि 10 डिग्री से अगर एक्सीड हो गया तो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपने को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा पर डिग्री के लिए। वॉट एवर ये जो लोड रहता है, लाइव लोड रहेगा या फिर डेड लोड रहेगा, यहाँ पे मैंने एक सेपरेट डायग्राम बनाया है, देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ एक डायग्राम, ये क्या रहता है, इट इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, ध्यान में रखना वॉट एवर जो अपना स्लोप रहता है रूफ का इट इज़ इंक्लाइन, बट जो ये जो लोड रहेगा इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही रहेगा, तो ये रूफिंग एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं रह सकता, देर विल बी सर्टन एंगल। ओके, ये पैनल के लिए कुछ ना कुछ तो एंगल रहेगा, तो डेड लोड और लाइव लोड हम लोग हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एज्यूम करते हैं, या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड ही उसका डायरेक्शन रहता है। आफ्टर दिस लाइव लोड नेक्स्ट आता है, दैट इज़ नथिंग बट विंड लोड कैलकुलेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग टोटल आईएस कोड ही यहाँ पे रेफर करते हैं, दैट इज आईएस 875 पार्ट 3। अभी 875 पार्ट 3 तुम लोगों का अपडेट हुआ है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में तुम लोगों को वो अपडेटेड वर्जन से सिखाया नहीं जाता है, सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेम्बर इट इज़ अपडेटेड इन 2015, लेकिन अभी तक बुक में किसी बुक में तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा कि वो अपडेटेड फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया हुआ है, बट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ये कैल तुम लोग डाउनलोड करके रखो, बिकॉज आईएस 875 पार्ट 3 तुम लोगों को लगेगा ही, बिकॉज वॉट एवर जो प्रोसीजर है इट इज़ वेरी लेंदी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि लाइव लोड और डेड लोड जैसे हम लोग सिर्फ एक सेंटेंस याद रख के टोटल कर सकते हैं, यू हैव टू डाउनलोड दिस आईएस 875। तो आईएस 875 में इफ़ यू ऑब्जर्व द क्लॉज नंबर 7.3.1, अगर चाहिए तो डायरेक्टली हम लोग आईएस कोड पे ही जा सकते हैं, बट फिर भी अगर तुम लोग विंड फोर्स निकालोगे, वॉट एवर ये जो विंड फोर्स दिया हुआ है इट इज़ इन किलो न्यूटन, ये जो टोटल लोड मैंने लिखाया हुआ है, एरिया जो रहेगा एरिया हम लोग बाद में लिख लेंगे बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द पैनल एरिया हम लोग सिर्फ इंटेंसिटी देखेंगे, तो ये जो फॉर्मूला इट इज़ गिवन ऑन द क्लॉज 7.3.1, इफ़ यू वॉन्ट वी कैन ऑब्जर्व इट। ओके, ये तुम लोगों का आईएस कोड है, इसमें तुम लोगों को 7.3.1 देखो, दिस इज योर 7.3.1, इस पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज योर फॉर्मूला, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू ओके सी पी ई माइनस सी पी आई मल्टीप्लाई बाय ए इंटू पी डी, इसीलिए मैंने इसको मॉडिफाई नहीं किया है, वॉट एवर जो फॉर्मूला रहेगा उसके हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं। वॉट एवर सी पी इज नथिंग बट एक्सटर्नल कोएफिशिएंट, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट, वेयर एज सी पी आई इज नथिंग बट इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, ए इज़ नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जो हम लोग पैनल का एरिया लेंगे वो हम लोग एरिया का दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर रहे, वी विल जस्ट फाइंड आउट द इंटेंसिटी, दैट इज पी डी मल्टीप्लाई बाई दिस कोएफिशिएंट, वेयर एज पी डी इज नथिंग बट डिजाइन विंड स्पीड। ओके, वॉट एवर यहाँ पे भी मैंने वही लिखा हुआ है, दैट इज सी पी ई माइनस सी पी आर इंटू ए मल्टीप्लाई बाई पी डी, बट आई एस कोड में अगर टोटल तुम लोग ढूंढने जाओगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो इसलिए वन बाय वन मैं यहाँ पे स्टेप वाइज लिखता हूँ, जब तुम लोगों को एक्चुअल में ये प्रॉब्लम करोगे तब तुम लोगों को आइडिया आएगा कि यहाँ से अपने को क्या निकालना है, पी डी कैसे मिलेगा, सो वी कैन डायरेक्टली रेफर द आई एस कोड।
आफ्टर दैट देखो यहाँ पे जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट निकालूंगा तो द एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट विल बी गिवन इन टेबल नंबर 6, वेयर एज इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट विल बी गिवन इन क्लॉज नंबर 7.3.2। वॉट एवर ये जो वैल्यूज है ये तुम लोगों को प्रैक्टिस के हिसाब से ही तुम लोग बाद में करोगे, बिकॉज अगर तुम लोग डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ एग्जाम इसको ओपन करोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज हर एक टाइम हर एक वैल्यू तुम लोगों का जो दिया रहेगा आईएएस कोड में इट इज़ इन वर्डिंग फॉर्म, और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बुक में जो तुम लोगों को टेबल्स दिए रहेंगे वो डायरेक्टली हम लोग याद नहीं रह सकते। तो इसलिए मोस्टली ट्राई करो कि हम लोग एटलीस्ट वन प्रॉब्लम भी सॉल्व करें तो भी तुम लोगों को एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि हम लोग ये वीन फोर्स कैसे निकालते हैं। सो इफ़ यू ऑब्जर्व टेबल नंबर 6, लेट अस रब दिस। ओके टेबल नंबर 6 हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, लेट अस चेक इट। देखो यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स रहेंगे, दिस इज टेबल नंबर 5 फॉर द एक्सटर्नल कोएफिशिएंट, बट इसमें तुम लोगों को पता चलेगा। देखो ये बिल्डिंग के लिए, यहाँ पे रूफ देखो रूफ फ्लैट है, मतलब अपने को ट्रसेस के लिए नहीं है ये। सिंपल टेबल नंबर 6 देखोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे रूफ दिया हुआ है तो रूफ बिल्डिंग के लिए, यहाँ पे रूफिंग ट्रस के लिए यहाँ पे हम लोग प्रेशर कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे देखो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोगों को थोड़ा दिखेगा डिफिकल्ट बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे जो तुम लोगों का वैल्यू दिया हुआ है एच बाय डब्ल्यू दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ द योर ट्रस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऑलरेडी क्वेश्चन में इंडिकेट किया रहता है, विड्थ ऑफ द यानी कि स्पैन तुम लोगों को ट्रस का पता ही रहता है, सो वी कैन फाइंड आउट एच बाय डब्ल्यू रेशो। सो जस्ट फाइंड आउट इट कि एच बाय डब्ल्यू रेशो तुम लोगों का लेस दैन हाफ है या फिर हाफ टू 3/2 के बीच में या फिर 3/2 से लेके ये तुम लोगों का 5 के बीच में, यानी कि 3/2 से अगर ज़्यादा रहेगा तो इट इज़ लास्ट तुम लोगों का कॉलम है, तो इसमें भी तुम लोग चेक कर सकते हो। तीनों में से कौन से रो में बैठ रहा है ये तुम लोगों को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकेंड वन, यहाँ पे विंड एंगल दिया हुआ है। ओके विंड एंगल 0 डिग्री, विंड एंगल 90 डिग्री। अभी इसका मतलब क्या है, देखो विंड एक्सटर्नल प्रेशर, देखो ये डायग्राम से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, इट इज़ 3D डायग्राम में अगर तुम लोगों को ये देखना है तो इट इज़ जस्ट लाइक ये तुम लोगों का रूफ का पार्ट है। ओके और ये तुम लोगों का टोटल रूफ है यहाँ पे दिया हुआ है। वॉट एवर ये तुम लोगों का ई एफ, और ये देखो यहाँ पे ये ई पॉइंट है, ये तुम लोगों का एफ पॉइंट है, दिस इज योर जी पॉइंट, दिस इज योर एच पॉइंट। दिस इज़ टोटली अप्रोक्सीमेशन बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट नो कि जब मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन करूँगा आफ्टर दैट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी डोंट नो कि विंड कहाँ से आएगा, बट वी हैव टू टेक दी ऑल दी ट्रायल्स कि जहाँ से तुम लोग को मैक्सिमम फोर्स मिल रहा है। तो फर्स्ट हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज विंड इस साइड से अगर तुम लोगों का आ रहा है, तो देखो यहाँ पे मैं विंड के लिए यहाँ पे एक पेन कंसिडर कर लेता हूँ, लेट अस कंसिडर। पहला जो हम लोगों का रहता है इस डायरेक्शन से अगर विंड आ रहा है, जो टेबल जो बनाया हुआ है वो इसी डायरेक्शन से बनाया हुआ है, अगर इस डायरेक्शन से आ रहा है तो ये जो तुम लोगों का ई एफ जो है ई एफ रहेगा इट इज़ योर विंडवर्ड डायरेक्शन, ई एफ जो रहेगा इट इज़ योर विंडवर्ड डायरेक्शन। विंडवर्ड मतलब वॉट एवर जो पैनल है जो विंड के साइड पे रहेगा उसको विंडवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, और जो तुम लोगों का ये अपोजिट साइड पे जो पैनल रहेगा उसको हम लोग लीवर्ड बोलते हैं, लीवर्ड डायरेक्शन। ओके तो ऑब्वियसली अगर इस साइड से आएगा तो इस पैनल के लिए तुम लोगों का वैल्यू रहेगा फोर्स का वो अलग रहेगा प्रेशर का, और इस साइड में अलग रहेगा, तो इसलिए ई एफ और ये जी एच, ये जो तुम लोगों का आ रहा है इट इज़ देखो यहाँ पे दिया होगा, लेट अस कंसिडर इट। देखो ये वैल्यू जो तुम लोगों का है विंड एंगल इज 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री रहेगा विंड एंगल तो ये तुम लोगों का 0 डिग्री के ऊपर यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ओके ये थीटा अलग है, ये हम लोग इस साइड से कंसिडर कर रहे हैं। अगर 90 डिग्री रहेगा तो 90 डिग्री मतलब अलॉन्ग द रिज, मतलब विंड का डायरेक्शन जो है वो इस साइड से, इफ़ यू वांट 90 डिग्री तो 90 डिग्री हम लोग इस साइड से कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली देयर में भी चांसेस कि इस साइड से भी आ सकता है, तो दो डायरेक्शन वहाँ पे उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है, एक तो इस डायरेक्शन से इट इज़ 0 डिग्री एंड इस डायरेक्शन से इट इज़ 90 डिग्री अलॉन्ग द रिज, ये दो डायरेक्शन के लिए तुम लोगों के वैल्यूज दिए हुए हैं। सो वी विल एज्यूम फॉर बोथ साइड, इस साइड से भी निकालेंगे इस साइड से भी निकालेंगे, तो दोनों साइड में देखो यहाँ पे विंडवर्ड और लीवर्ड दोनों के लिए यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, जब 0 डिग्री रहेगा तभी भी यहाँ पे दो प्रेशर आएंगे, देखो ई एफ और जी एच, मतलब ये विंडवर्ड डायरेक्शन है और ये तुम लोगों का लीवर्ड डायरेक्शन है, दोनों के लिए कोएफिशिएंट तुम लोगों के रहेंगे। अभी ये नहीं बता रहा हूँ, पहले जस्ट अंडरस्टैंड करो ई एफ और जी एच। सिमिलरली जब विंड एंगल 90 डिग्री रहेगा अंदर से भी जाएगा तब भी यहाँ पे ई एफ और जी एच, और वी कैन से जी ई जी और एफ एच, यहाँ पे ये दोनों इसमें तुम लोगों का
कोएफिशिएंट आएगा, यानी दिस इज अवर विंडवर्ड डायरेक्शन, दिस इज अवर लीवर डायरेक्शन, दोनों के लिए सेम ही रहेगा कोएफिशिएंट मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज इस साइड से आएगा तो दोनों के लिए यहाँ पे तुम लोगों का अपवर्ड प्रेशर ही क्रिएट होगा, तो नॉर्मली इट इज नेगेटिव, दोनों साइड में चेक करोगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन इस साइड में जब जीरो डिग्री एंगल रहेगा इस साइड पे, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों यहाँ पे अप साइड में ही प्रेशर लगाएंगे, देर में भी पॉजिटिव और समटाइम्स देर में भी नेगेटिव, तो सिर्फ ये वैल्यू चेक करो, अगर किसी बुक में ये तुम लोगों को दिया रहेगा तो ये नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है वो ठीक से लिख के रखो, सो दैट इट विल हेल्प्स यू। ओके, तो यहाँ से तुम लोगों को ये कोएफिशिएंट मिलेगा। नाउ ये तुम लोगों को क्या दिया गया है, ये 0, 5, 10, 20, 30, ये मतलब क्या है कि भले इस साइड से बट यहाँ से भी तुम लोगों का एंगल रहता है, यानी कि अगर ये 0 डिग्री पे है मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ से ये विद द हॉरिजेंटल इसका एंगल कितना है, विद द हॉरिजेंटल अगर तुम लोग कंसिडर करोगे, ये भी तुम लोगों को दिया रहता है विद द हॉरिजेंटल, ये एंगल तुम लोगों को दिया रहता है, ये डिग्री तुम लोगों को थीटा डिग्री कितना है वो इंडिकेट करेगा तुम लोगों का ऊपर का पार्ट। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर दिया है तो इट इज़ ओके, लेकिन ये डिग्री रूफ एंगल जो है तुम लोगों का, यानी कि रूफ का एंगल जैसे वैरी होगा उसके हिसाब से भी तुम लोगों का ऑब्वियसली इंटेंसिटी वैरी होने वाला है, बिकॉज अगर ये फ्लैट रहेगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी बहुत कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा और इसके हिसाब से ये वैल्यू चेंज होता जाएगा। सो लेट अस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तुम लोग का रूफ एंगल है, दिस इज थीटा डिग्री। ओके, तो ऑब्वियसली ये इस साइड से है या फिर इस साइड से, थीटा डिग्री तो चेंज नहीं होने वाला है फॉर सिंगल ट्रस, तो सिंगल ट्रस के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0 डिग्री के लिए ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है, 5 के लिए या फिर 10 डिग्री, 20, 30, 45 या फिर 60 से आगे जाओगे तो देख लिया हम लोग वो रूफ बोलेंगे ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 60 तक वैल्यू दिया हुआ है, तो टोटल ये कोएफिशिएंट अपने को देखने पड़ेंगे। तो अगर आप एक सिंगल लोड के लिए देखोगे तो यहाँ पे 4 कंडीशन आएंगे, यानी कि 0 डिग्री, यानी कि एक ट्रस अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि ट्रस का रूफ का एंगल है 5 डिग्री, तो यहाँ पे ये -0.9 के लिए भी चेक करना पड़ेगा, -0.4 के लिए भी चेक करना पड़ेगा, -0.8 के लिए भी और -0.4 के लिए भी, सो वी हैव टू टेक दी 4 ट्रायल्स, तो चारों में से कौन सा मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे, इट विल बी योर मैक्सिमम विंड प्रेशर। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर नेक्स्ट वन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज ये तुम लोगों को बुक में भी दिया रहेगा, लेकिन बुक में तुम लोगों को डायरेक्टली कोएफिशिएंट दिए रहेंगे वहाँ पे, तो वो तुम लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो इसलिए ये कंसेप्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। आफ्टर दैट, आफ्टर गेटिंग दी पीई, ओके, टेबल नंबर 6 से अपने को 4 कंडीशंस मिल रहे हैं, देन वी विल फाइंड आउट दी सीपीआई वैल्यू, दैट इज नथिंग बट इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। तो इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट इज गिवन इन 7.3.2, अगर आईएस कोड ऑब्जर्व करोगे तो तुम लोगों को हर एक चीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, देयर इज जस्ट नीड टू रीड दैट आईएस कोड। सो इफ यू चेक दी 7.3.2 फॉर्मूले के नीचे ही रहेगा, जैसे हम लोगों ने ये 7.3.1 में देखा हुआ है फॉर्मूला, उसके नीचे ही तुम लोगों को 7.3.2 देखो इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट दिया हुआ है। सो ये इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट में देखो मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे, अभी ये डिपेंड जो रहता है, इट इज़ डिपेंड ऑन दी ओपनिंग। ओके, जितना ओपनिंग रहेगा उसके हिसाब से इसका वैल्यू वैरी होता रहता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है, इन केस ऑफ द बिल्डिंग वेयर द क्लैडिंग परमिट द फ्लो ऑफ एयर विद द ओपनिंग नॉट मोर देन अबाउट 5%, अगर 5% से कम अगर ओपनिंग है ऑफ द वॉल एरिया, बट वेयर देर आर नो लार्ज ओपनिंग, देन इंटरनल कोएफिशिएंट हम लोगों को दिया हुआ है, इट इज +0.2 और -0.2। ओके, ये दो वैल्यूज दिए हुए हैं, ये दोनों वैल्यूज अपने को रेफर करना पड़ेगा। सो नाउ रिटर्न, जो 4 कंडीशन थे उसमें भी अपने को दो यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, इट में भी प्लस और इट में भी माइनस, बिकॉज दो टाइप है यहाँ पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो इसलिए प्लस और माइनस यहाँ पे अपने को दो देखने पड़ेंगे। ओके, सिमिलरली अपने को नेक्स्ट वन भी देखना पड़ेगा, और कौन सा कंडीशन है यहाँ पे, देखो रिटर्न फॉर दिस, बिकॉज ओपनिंग जो रहेगा वो एक ही नहीं रहेगा यहाँ पे, बिल्डिंग विद द मीडियम एंड लार्ज ओपनिंग, मीडियम ओपनिंग देखो यहाँ पे, बिल्डिंग विद द मीडियम ओपनिंग बिटवीन द 5% टू द 20%, 5 से लेके 20% में भी रहेगा। ओके, एट दैट टाइम कोएफिशिएंट विल बी +0.5 एंड -0.5, इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, ये दो कंडीशन है, और उसके बाद लास्ट ओपनिंग इज लार्जर देन 20%। ओके, लास्ट वन, दैट इज 3 कंडीशन है टोटल,
पहला है 5% तक, उसके बाद 5 to 20% एंड लार्जर दैन 20%. तो उसके लिए इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट विल बी 0.7 और -0.7. जैसे जैसे तुम लोगों का ओपनिंग बढ़ेगा, ऑब्वियसली एयर फ्लो जो रहेगा इनसाइड में वो ज़्यादा रहेगा. तो ऑब्वियसली अगर एयर ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे इंटरनल प्रेशर जो रहेगा वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन दैट यहाँ पे तुम लोगों का कोएफिशिएंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा. सो यू विल गेट दी वैल्यूज इन दी 7.3.2, इट मे बी 0.2, 0.5 और 0.7. तो ये तीन तुम लोगों के कोएफिशिएंट है फॉर दी इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अपने को नॉर्मली 8 कॉम्बिनेशन मिलता है, बिकॉज जब आप CPE का ऑब्जर्व करोगे देर विल बी 4 ट्रायल, और 4 ट्रायल के लिए अपने को CPI भी यूज़ करना पड़ेगा. देर विल बी 2 CPI वैल्यूज, तो टोटल विल बी 8 ट्रायल्स. तो यहाँ पे 8 हम लोग वैल्यूज निकालते हैं ये कॉन्स्टेंट की, CPE माइनस CPI, और ये दोनों सब 8 में से सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगा वो हम लोग यहाँ पे रेफर करेंगे, बिकॉज अपने को मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिज़ाइन करना है. नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर दी PD वैल्यू. सो PD इज नथिंग बट यूर डिज़ाइन विंड प्रेशर. That design wind pressure is nothing but 0.6 VZ square, which is given in the clause 7.2. Okay, already given in the IS code. सब things हम लोगों को IS code में दिया हुआ है. So 7.2 अगर तुम लोग observe करोगे यहाँ पे. So let us consider 7.2. एक यहाँ पे अगर 7.2 अगर observe करोगे यहाँ पे, you have already given this. That is PZ is equals to. ओके PD और PZ एक ही है. दैट इज डिजाइन विंड प्रेशर विल बी नथिंग बट 0.6 ऑफ VZ स्क्वायर. ओके PZ दैट इज विंड प्रेशर एट द हाइट Z इन द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. VZ तुम लोगों को डिजाइन विंड स्पीड है एट द हाइट Z. ओके और ये 0.6 तुम लोगों का इट इज योर कोएफिशिएंट. वेट फॉर अ सेकेंड. तो वो कोएफिशिएंट अपने को वहां पे रेफर करना पड़ेगा. सो लेट अस टेक PZ तुम लोगों को मिल जाएगा. व्हाट डू मीन बाय VZ? VZ क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे. VZ इज नथिंग बट डिजाइन विंड स्पीड. ओके तो ये डिजाइन विंड स्पीड निकालने के लिए व्हाटएवर हम लोग टोटल रिवर्स जा रहे हैं. ओके हम लोग का जो प्रॉब्लम जो स्टार्ट होगा वो VZ से ही स्टार्ट होगा. उल्टा हम लोग ये निकालेंगे, आफ्टर दैट PD निकालेंगे, देन PD वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे. सो नाउ वी आर लर्निंग, तो इसलिए लर्निंग हम लोग को रिवर्स यूज करना पड़ेगा. VZ इज डिजाइन विंड स्पीड, इट इज गिवन इन 6.3. ओके तो 6.3 में दिया हुआ है तुम लोगों को इक्वेशन, दैट इज VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4. वॉट एवर ये जो तुम लोगों के कोएफिशिएंट है इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ द IS 875-3, इसमें तुम लोगों को K4 का यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं दिया था. वी जस्ट हैव द K1 K2 K3. डोंट वरी यहाँ पे इतना कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज K4 इज नथिंग बट फॉर दी साइक्लोनिक रीजन. एज इन आफ्टर 2010 यहाँ पे साइक्लोन्स का जो कंसिडरेशन है वो भी हम लोगों ने विंड डिजाइन में कंसिडर किया हुआ है. इफ़ यू ऑब्जर्व दी कोस्टल एरिया, तो कोस्टल एरिया में विंड प्रेशर जो रहता है वो साइक्लोन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है. सो इसीलिए हम लोगों ने ये साइक्लोनिक इफेक्ट कंसिडर किया हुआ है. तो ये साइक्लोनिक इफेक्ट सिर्फ कंसिडर होगा कोस्टल एरिया में. तो कोस्टल एरिया कौन सा रहता है, वट एवर जहाँ पे कोस्ट है, लाइक गुजरात कोस्टल एरिया अगर कंसिडर करोगे या फिर मुंबई करोगे, तो मोस्टली कोस्टल एरिया से यानी कि कोस्टल पार्ट से 60 किलोमीटर तक जो एरिया आपका रहेगा कोस्टल रीजन से या फिर बाउंड्रीज से, उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल एरिया. कोस्टल मतलब जस्ट ओशन का जो बाउंड्री है वहाँ से लेके 60 किलोमीटर तक एरिया के लिए हम लोग ये K4 का वैल्यू एज्यूम करेंगे. अदरवाइज इट विल बी 1, देर इज़ नो नीड टू कंसिडर इट. अगर नहीं करना है तो हम लोग सिंपल वैसे कंसिडर करेंगे. सो लेट अस चेक 6.3 में कहाँ पे दिया हुआ है तुम लोगों को वैल्यू. एज दिस इज योर 7.2, तो ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ रहेगा 6.3. डिजाइन विंड प्रेशर, देखो यहाँ पे डिजाइन विंड स्पीड दिया हुआ है, इट इज योर 6.3. इट इज इक्वल्स टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4. ये तुम लोगों का जो फॉर्मूला है वो हम लोग नॉर्मली यूज करेंगे. सो लेट अस चेक इट. K1, K2, K3 मतलब क्या है, हर एक का वैल्यू कहाँ से मिलेगा. VZ इज नथिंग बट डिजाइन विंड स्पीड एट द हाइट Z इन द मीटर पर सेकेंड. तो ये नॉर्मली हम लोग 10 मीटर के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं VZ का वैल्यू, विच इज़ डिपेंड ऑन दी जोन्स. विंड के लिए तुम लोगों का एरिया कौन सा है उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं. नॉर्मली जो मेन सिटीज़ है उसके लिए ऑलरेडी ये दिया हुआ है,
on the last page of this IS code, VZ का value, design wind speed, sorry ये design VB का value दिया रहता है, okay? ये design wind speed निकाल रहे हम लोग. K1 is nothing but probability risk factor, तो risk coefficient is given in some table. K2 भी हम लोग को table से मिलेगा. K3 it is topography factor and 4 K4 is importance factor. तो let us consider यहाँ पे VB का बोला नहीं है. VB is nothing but your design wind speed. ये wind speed जो रहेगा वो आपको दिया रहेगा टोटल एंड में. IS कोड के एंड में अगर चेक करोगे तो आपको एक टेबल दिखाई रहेगा. दिस इज योर, वेट फॉर सेकंड, देखो यहाँ पे दिया हुआ है. एनेक्स वन में दिया हुआ है बेसिक विंड स्पीड एट 10 मीटर हाइट. ओके, वीबी के लिए आपको ये टेबल तुम लोगों को रेफर करना है, जिसमें तुम लोगों को जो मेन मेन सिटीज़ है उसके लिए मैक्सिमम अभी तक कितना तुम लोगों को विंड स्पीड अचीव हुआ है उसका हम लोग यहाँ पे बेसिक डेटा प्रोवाइडेड है. तो यानी कि आगरा हो गया, ये तुम लोग को मुंबई का भी दिया रहेगा. देखो तो मोस्ट ऑफ दी, ये देखो मुंबई के लिए ये इट इज़ 44. तो उसी तरह हर एक के लिए तुम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू दिया रहेगा. सो तुम लोगों को रीजन ऑलरेडी बोला गया रहेगा कि इट इज़ दी ट्रस जो तुम लोगों को डिज़ाइन करना है वो कौन से रीजन में. तो उसके हिसाब से जस्ट वी विल टेक दी वैल्यू ऑफ दी डिज़ाइन योर बेसिक विंड स्पीड दैट इज़ वी बी. ओके, ये यहाँ पे वी बी मिल गया. देन के वन के टू के थ्री के लिए तुम लोग को टेबल्स दिए वहाँ पे. इफ़ यू ऑब्जर्व दिस इज़ योर डिज़ाइन विंड स्पीड फॉर्मूला, उसके नीचे ही तुम लोगों को देखो फर्स्ट टेबल तुम लोगों को आएगा, दैट इज़ फॉर दी के वन, दैट इज़ रिक्स कोएफिशिएंट, टेबल नंबर वन. तो रिक्स कोएफिशिएंट हम लोग ये यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ द बिल्डिंग एंड योर बेसिक विंड स्पीड. बेसिक विंड स्पीड किस में लाई कर रहा है, 33 से लेके 55, तो इसके बीच में तुम लोगों को देखना पड़ेगा. यू मे हैव टू इंटरपोलेट अगर तुम लोगों का वैल्यू परफेक्टली नहीं है तो. यहाँ पे ऑल जनरल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर, उसके लिए अगर चेक करोगे तो तुम लोगों का लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, नॉर्मली तुम लोगों को टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर दिया रहेगा यानी कि लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर दिया रहेगा, तो दोनों में से एक भी अगर पता है. अगर तुम लोगों को नहीं दिया है तो वी विल जस्ट टेक दी ऑल जनरल बिल्डिंग्स. ओके, नो नीड टू टेक दिस. टेम्प्ररी शेड्स अगर ये दिया है तो उसके लिए तुम लोगों का 5 years का तुम लोगों का लाइफ रहता है, तो उसके लिए ये वैल्यू थोड़ा लेस रहेगा. Presenting low degree of hazards to life property in the event of failure such as isolated tower in the old areas, farm building other than the residential building, तो इसके लिए तुम लोग का ये अलग रहेगा. Then important building like hospital वगैरह रहेगा तो इसके लिए ये अलग रहेगा. तो depending on that we will take the K1 value from the table number 1. Then we will go for the K2 value. K2 is nothing but your where is the terrain coefficient, wait for a second, यहाँ पे दिया रहेगा तुम लोगों का K2 का मीनिंग. ओके, K2 is your terrain roughness and height factor. तो terrain roughness और height factor के लिए पहले अपने को यहाँ पे terrain का coefficient, terrain तुम लोगों को पहले category तुम लोगों को पता होनी चाहिए. terrain category 1 है 2 है, तो इसके हिसाब से तुम लोगों का K2 का value मिलता है. देखो यहाँ पे terrain और height multiplier K2 यहाँ पे दिया हुआ है table number 2 में, बट ये टेरेन कैटेगरी 1, 2, 3, 4 इसके हिसाब से दिया हुआ है. ओके, नॉर्मली ये तो हम लोग ले लेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग के हिसाब से. अगर टेरेन का कैटेगरी पता है तो उसके हिसाब से ले लेंगे, बट टेरेन कैटेगरी हम लोग को यहाँ पे ऊपर ही तुम लोगों को दिया हुआ है. देखो यहाँ पे टेरेन कैटेगरी 4, टेरेन विद द न्यूमरस लार्ज हाई क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो रहेगा. ओके, अदरवाइज टेरेन कैटेगरी तुम लोग का इधर ही रहेगा, डोंट वरी. टेरेन कैटेगरी 3, दैट इज टेरेन विद इन न्यूमरस क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन हैविंग द साइज ऑफ द बिल्डिंग अप टू 10 मीटर विद और विदाउट फ्यू आइसोलेटेड टॉल स्ट्रक्चर. कैटेगरी 2, ओपन टेरेन विद द वेल स्कैटर्ड ऑब्स्ट्रक्शन हैविंग द हाइट जनरली बिटवीन 1.5 to 10 meters. देन कैटेगरी 1, दैट इज एक्सपोज और ओपन टेरेन विद द फ्यू और नो ऑब्स्ट्रक्शन. तो उसके हिसाब से टेरेन कैटेगरी तुम लोगों को अगर नहीं पता है तो तुम लोग क्लासीफाई इसमें ले सकते हो टेरेन कैटेगरी 1, लेकिन मोस्टली टेरेन कैटेगरी भी तुम लोगों को दिया रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग नॉर्मली फाइंड आउट करेंगे. देन K3 का वैल्यू नॉर्मली 1 ही हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे K3 का वैल्यू टोपोग्राफी फैक्टर. ओके, टोपोग्राफी फैक्टर के लिए दैट इज द इफेक्ट ऑफ द टोपोग्राफी शैल बी सिग्निफिकेंट एट द साइट व्हेन द अपविंड स्लोप इज मोर दैन अबाउट 3 डिग्री. 3 डिग्री से ज़्यादा अगर स्लोप रहेगा, किसका स्लोप रहेगा,
लैंड का ओके, और बिलो दैट द के थ्री वैल्यू मे बी टेकन टू बी इक्वल टू वन ओके. नॉर्मली 99% तुम लोगों को ये टोपोग्राफी का डिफिकल्टी नहीं आता है प्रॉब्लम में, लेकिन अगर तुम लोग को कंसिडर करना है नॉर्मल प्लेन एरिया अगर रहेगा तो इट विल बी वन. अगर लेकिन अगर ये 3 डिग्री से ज़्यादा अगर टोपोग्राफी ज़्यादा रहती है तो यहाँ पे ये के थ्री का वैल्यू जो रहता है इट विल बी इन द रेंज ऑफ 1 to 1.36 ओके. जिसमें एरिया का जो स्लोप रहेगा ग्राउंड का वो 3 डिग्री से अगर ज़्यादा रहेगा तो ये तुम लोगों को दिया हुआ एनेक्स सी में एट द लास्ट तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो. यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिया हुआ है उसके लिए, बट आई थिंक देर इज़ नो नीड टू डू दैट कैलकुलेशन. मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को वहाँ पे 1 ही लेना पड़ेगा ओके, बिकॉज 3 डिग्री से ज़्यादा स्लोपिंग ग्राउंड तुम लोगों को दिया नहीं रहता है. अगर ये स्लोप तुम लोगों का अपविंड और फिर डाउनविंड स्लोप अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर उसके लिए तुम लोगों को वो फैक्टर है. तो यहाँ पे तुम लोगों को कैलकुलेशन दिया रहता है K3 इज 1 + C × H0, वेयर एज यहाँ पे C और S का वैल्यू दिया रहता है. सो वी विल नॉट रेफर इट, वी विल जस्ट टेक कि K3 का वैल्यू अपने को 1 ही मिलने वाला है. वेयर एज K4 का जो वैल्यू है दैट K4 विल डिपेंड ऑन, वेट फॉर अ सेकेंड, फर्स्टली वी विल टेक दिस ओके. K3 हो गया, देन द K4 वैल्यू इट इज इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर द साइक्लोनिक रीजन. लेकिन साइक्लोनिक रीजन जो रहता है तुम लोगों का, यहाँ पे तुम लोगों को ऑलरेडी इंडिकेट दिया हुआ है द इफेक्ट ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म इज लार्जली फेल्ट इन अ बेल्ट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर विड्थ एट द कोस्ट. तो कोस्ट से 60 किलोमीटर के रेंज में अगर तुम लोगों का सिटी दिया हुआ जो है अगर वो रहेगा तो ही हम लोग ये कंसिडर करेंगे, अदरवाइज देर इज नो नीड टू कंसिडर इट. वी विल कंसिडर इट एज अ वन. अगर दिया हुआ है देखो स्ट्रक्चर फॉर द पोस्ट साइक्लोनिक इंपॉर्टेंस फॉर द इमरजेंसी सर्विसेज रहेगा तो इट विल बी 1.3. इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर रहेगा तो इट इज 1.15. ऑल अदर स्ट्रक्चर रहेगा तो इट विल बी 1. तो नॉर्मली 1 ही रहेगा बिकॉज नॉर्मली 60 किलोमीटर से बाद वाला स्ट्रक्चर रहेगा वही हम लोग नॉर्मली लेते हैं. अगर उसमें भी आ गया तो ऑल टाइप्स ऑफ अदर स्ट्रक्चर तुम लोगों का 1 ही रहने वाला है. अगर उन्होंने स्पेशली इंडिकेट किया इट इज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर तो इट इज 1.15. अगर उन्होंने इंडिकेट किया इट इज हॉस्पिटल और स्कूल तो हम लोग 1.3 लेंगे. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट योर VZ वैल्यू. वंस वी गेट द VZ वैल्यू ओके, ये टोटल कैलकुलेशन के बाद VZ वैल्यू मिलेगी, देन VZ वैल्यू वी विल पुट इट इनटू द PD वैल्यू दैट इज डिजाइन विंड प्रेशर, एंड देन आफ्टर दैट डिजाइन विंड प्रेशर वी विल गेट द विंड फोर्स. ये तीनों का हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे दैट इज डेड लोड, विंड लोड एंड लाई लोड, तब जाके अपने को रिजल्टेंट यहाँ पे फोर्स मिलेगा. तो मोस्टली जब ट्रस का ये कैलकुलेशन जो तुम लोगों का मोस्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है 32 मार्क्स के लिए, तो फ्लोर सिस्टम को यहाँ पे ऑप्शन रहता है ट्रस. तो वंस वी गेट दिस लोड, विंड लोड, लाई लोड, डेड लोड, देन कॉम्बिनेशन ऑफ द लोडिंग करके हम लोग फिर मेंबर के अंदर का दैट इज इंटरनल फोर्स फाइंड आउट करते हैं. वंस वी गेट द इंटरनल फोर्स देन हम लोग टेंशन और कंप्रेशन मेंबर से हम लोग उनको डिजाइन कर सकते हैं ओके. तो यहाँ पे देखो तुम लोग को लोड कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है, यानी कि आफ्टर गेटिंग दिस लोड्स विंड लोड लाई लोड वी हैव द लोड कॉम्बिनेशन. जस्ट राइट इट डाउन कि लोड कॉम्बिनेशन अपना क्या क्या रहेगा. बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द इंडिविजुअल लोड, तीनों एक साथ जब एक्ट करेंगे तीनों का वैल्यू अलग अलग रहेगा. सो देर विल बी 3 लोड कॉम्बिनेशंस. फर्स्ट वन that is 1.5 of dead load and lie load. Second one that is 1.2 of dead load plus lie load plus your wind load. And third one that is 0.9 of your dead load plus 1.5 of your wind load. These are the three most we can say यहाँ से maximum value तुम लोगों को मिलता है. So the worst combination of the loads should be taken in the consideration. ये तीनों में से जो सबसे worst तुम लोगों को result देगा that is maximum value लेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे load combination consider करेंगे. So the members of the trusses should be designed for those load. तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यूज तुम लोगों को मेंबर्स में से लोड देगी उसके लिए हम लोग नॉर्मली डिज़ाइन करेंगे. तो हम लोग यहाँ पे हर एक मेंबर डिज़ाइन करते नहीं बैठते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंप्रेशन या फिर टेंशन का मिलता है वो दो मेंबर्स के लिए हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन प्रोवाइड करके डायरेक्टली वी विल प्रोवाइड द टाइप ऑफ द आई सेक्शन या फिर चैनल सेक्शन या फिर योर
एंगल सेक्शन, तीनों में से एक सेक्शन हम लोग डायरेक्टली प्रोवाइड कर लेते हैं. दिस इज योर लोड कॉम्बिनेशन. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई थिंक इट इज ओके, वी हैव ओनली 15 मिनट्स. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न कि हम लोग कैसे यहाँ पे डेड लोड विंड लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं. उसके लिए हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे. सो यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि विंड लोड कैलकुलेशन कैसे होगा. ओके, इन द आफ्टर दैट वी विल टेक वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर दैट.